असल में बात ये थी, अब मुझसे पूछते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जवाब क्या था, हुक्म दिया था ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा, सुभान अल्लाह। तो इसलिए उसने जो मुझे न जलाया, फरमाया उसको एक बार कहा था, मुझे 70 बार कहा है, खबरदार इस्माइल का बाल भी टेढ़ा नहीं करना, इसलिए मैं उसकी बात मानते हूँ। अब यहाँ उन्होंने एक नई बात की, फरमाते हैं सुभान अल्लाह, छुरियां मान रही हैं खुदा का हुक्म, आग मान रही है पर बंदा मानने को तैयार है। अल्लाह ने कितने हुक्म दिए, नहीं मानने को तैयार नहीं, हजारों बहाने हैं, छुरी मान रही है। अब मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने फरमाया या नारो कूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहिम, तो ये फरमाया था सिर्फ उस आग के लिए जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला गया था। लेकिन खलाक आलम जल्ला जलालहू की देखिए करम नवाजियां और खुदावंद कुद्दूस के हुक्म जलाल, जब अल्लाह ने फरमाया ठंडी हो जा, तो अगली बात किस पर ठंडी हो, बर्दम व सलाम अला इब्राहिम, उस हुक्म के आने से पहले कायनात में जहां जहां आग जल रही थी सारी ठंडी हो गई। अब खाने पकाने वाले बार बार कोशिश करते जा रहे हैं लेकिन आग में वो हीट नहीं आती। बिलाखिर किसी अल्लाह वाले ने, खुदा मुझे कुद्दूस बताता है ना, तो उसने पूछा भाई बात क्या है, आज तू जला क्यों रही? उसने कहा मेरे रब ने हुक्म दिया है कि आज जलाना नहीं है, ठंडी हो जाना, इसलिए मैं ठंडी हो गई हूँ, तासीर मुझमें वो गर्मी वाली नहीं रही। तो रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहू ने इरशाद फरमाया ऐ आग ठंडी हो जा, और यूं बर्दम व सलामन इतनी भी ठंडी न हो जा कि कोई वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम सर्दी की वजह से बिल्कुल मुंजमद न हो जाए, कोई बर्फ न बन जाए, सलामती वाली इतनी जैसे जरूरत के मुताबिक एयर कंडीशन होता है, न उसमें गर्मी होती है न सर्दी, दरमियाना रास्ता। व सलाम अला इब्राहिम, फरमाती है रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहू ने मुझे 70 बार कहा है, इसको हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जबह नहीं करना। अब यहां इस्माइल अलैहिस्सलाम बच गए, अगली बार अब बचे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किसी शय की कुर्बानी की ना, तो वो क्या था, सुभान अल्लाह। इमाम इस्माइल हकी रहमतुल्लाह ने इरशाद फरमाते हैं कि असल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का जब आपस में गड़बड़ हुई थी, कुछ झगड़ा हुआ था, तो उनके लिए भी यही हुक्म था हाबील और काबील के लिए कि तुम जानवर जबह करो, जिसकी कुर्बानी खुदा की बारगाह में कबूल हो गई उसको इस बेटी के साथ इस लड़की के साथ रिश्ता करने का अल्लाह की तरफ से हुक्मनामा और इजाजत मिल जाएगी। अब यहां कुर्बानी दोनों ने की, हाबील की कबूल हो गई, काबील की कबूल न हुई। अब यहां उलमा ने बड़ी अजीब बात, वो फरमाते हैं कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे को जबा किया और वो जबा न हुआ, तो जो जानवर रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहू ने इब्राहिम की मंशा भी पूरी की, तो जन्नत में वो जानवर जो हाबील ने जबा किया था उसको रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहू ने अपने पास रखा हुआ था, खुदा उसको पालता जा रहा था, अब जरूरत पड़ी तो उसको नीचे भेज दिया, वो जमीन पर आया तो रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहू के हुक्म से छुरी ने उसको जबा कर दिया। अब लमा फरमाते हैं सुभान अल्लाह, देखो अल्लाह के नाम पे मरने वाला इंसान तो इंसान है, जानवर भी जिंदा होते हैं, भाई जबा हो गया था ना, अब जबह हो जाने के बाद अरे क्या दोबारा क्या मतलब हुआ, तो अल्लाह ने खुदा फरमाता है ना अहले ईमान के लिए वला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशुरून। अल्लाह के नाम पे जो मर जाते हैं उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है पर तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते। अब यहाँ इंसान तो इंसान है, जानवरों को भी अल्लाह ने जो उसके नाम पे, अब यहाँ कयामत वाले दिन हुजूर नबी करीम रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये कुर्बानी के जानवर तुम्हारे लिए सवारियां बनेगी। पिछले जुमतुल मुबारक को मैंने अर्ज किया था, सूरज सवा नेले के बराबर इतना नीचे और जमीन तांबे की तरह तवे की तरह यू कहीं उससे भी ज्यादा तप रही है, बंदा पांव रखता है तो फड़कता है, अब क्या करूं, जमीन पर पांव रख नहीं सकता, बार
बार बार पांव जला रही है जमीन, तो उसके लिए हुजूर क्या इरशाद फरमाते हैं, जब मेरा उम्मत ही कब्र से उठेगा तो जिसने जिंदगी में यहाँ अल्लाह के नाम पर जानवर कुर्बान किया होगा, वो कुर्बान जो सबसे ज्यादा खुदा को मकबूल होगा, अल्लाह उसको उस बंदे की सवारी के लिए उसकी कब्र के सिरहाने खड़ा कर देगा। अब वो उठा तो कुर्बानी का जानवर उसके लिए सवारी है। अब जाना कहाँ है जी? फिर उसके बाद है अलीगापुर सरात। यहां मैंने एक बात अर्ज की थी कि हर बंदा जो कब्र से उठेगा वो नंगा, उस पर कोई लिबास नहीं है। हुजूर फरमाते हैं एक मुझे पहनाया जाएगा, एक इब्राहिम अलैहि सलाम को पहनाया जाएगा। इसके बारे में मैंने उमर उम्र आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा की एक रिवायत भी अर्ज की थी। अब बात यह है अलीजा, जमीन पर तो पांव न रखेंगे इसलिए कि सवारी मिल गई, लेकिन आसमान पर जो सूरज है सर पे उसकी गर्मी पड़ रही है, उसके लिए हमें क्या चाहिए जी? कोई अम्ब्रेला चाहिए, कोई छतरी चाहिए जिससे हमें कोई साया मिले और उस सूरज की गर्मी हमें तकलीफ न पहुंचाए, उस सूरज की गर्मी हमें किसी किस्म की हीट न दे और उससे हमें तकलीफ न हो। अब उसके लिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, कयामत वाले दिन कोई अम्ब्रेला छतरी नहीं होगी, बस एक रब के अर्श का साया होगा जिसे वो नसीब हो गया। दर्द और जगह पे होता है, छाया और जगह पे होता है, अर्श और जगह पे होगा, छाया वहां भी उसका होगा जहां उसकी जरूरत है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिवाय अल्लाह के अर्श के किसी शय का कोई साया वहां मौजूद नहीं होगा। अब यहां अल्लाह के अर्श का साया ढूंढने के लिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इरशाद फरमाया। हुजूर फरमाते हैं सात बंदे मेरी उम्मत के ऐसे हैं जिनको रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु कयामत वाले दिन उस वक्त साया अता करेगा जिस वक्त और किसी शय का साया नहीं होगा। और मैंने यह अर्ज किया है वो साया किसका है? नूर, बताते खुद नूर है, उसका क्या साया होगा? अर्श है, उसका साया है। इसलिए उलमा फरमाते कहीं की आया है हदीस पाक में कि रब्बुल आलमीन के महबूब ने इरशाद फरमाया जिस दिन कोई साया नहीं होगा बस सिर्फ खुदा का साया होगा। फरमाते हो खुदा के साये से मुराद वो अर्श का साये बंदे, क्योंकि उर्दू में तर्जमे मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, लोग पढ़ा करते अहादीस को कुरान मजीद के तर्जमे को, इसी मैंने अर्ज किया। वो फरमाते हैं जहां अल्लाह के साये का हुक्म है तो अल्लाह के साये का जिक्र है, वहां अल्लाह के अर्श का साया मुराद है, न कि अल्लाह की जात का साया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं एक बंदा किसे साया मिलेगा? जिसको किसी पर हकूमत मिली हो और वो उनके साथ इंसाफ करके उनकी रियायत करता, इंसाफ भी करे उनके साथ रियायत भी करे, कयामत वाले दिन उसको खुदा और कुद्दूस के अर्श का साया नसीब होगा। अब न जाने कितने हुक्मरान हैं, उनको इस हुक्मरानी की वजह से रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू अपने अर्श का साया नसीब करेगा। अल्लाह हमें भी ऐसे हुक्मरान अता फरमाए जो उम्मत के कौम के खैर खा हों, जो उम्मत की हमदर्दी रखने वाले हों। अच्छा फिर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कोई फरमाया किसी ने जिसने कोई बंदा भूखा देख लिया उसको भूख लगी है, जो बंदा उसको खाना खिलाएगा खाला प्यारू जल्ला जलालुहू उसको भी रोजे माशर को अपने अर्श का साया नसीब करेगा। ये मैंने अर्ज किया कि अब ये हजर की बातें हैं कयामत वाले दिन जन्नत में। अब यहाँ बहुत सी रिवायात ऐसी है जिनमें हम ये समझते हैं कि बंदे को लिबास मिला, बंदे को ये इनाम मिला, बंदे को ताज मिला, बंदे को इमामा और पगड़ी मिली। ये सारी चीजें कभी हम देखते हैं कि वो हशर के मैदान में मिलेंगी, और कभी हम देखते हैं हदीस करीमा में तो वो जन्नत में मिलेंगी। जन्नत में जो इनाम मिलेगा रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहू, अब उसमें कोई बंदा किसी दूसरे पर फख्र नहीं कर सकता। हर बंदे को जन्नत इतनी नेमत मिली होगी एक दूसरे से बढ़कर, जिसको जो कुछ मिला है वो समझता है मुझे इतना मिला है और किसी को नहीं मिला, दूसरे को जो मिला है वो कहते हैं मुझे इतना मिला है जो किसी को नहीं मिला। जितने इनामात हैं वो रोजे माशर को हशर के मैदान में मिलेंगे। उसके लिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं बंदे वहां फख्र करेंगे, बंदे वहां एक दूसरे पर फख्र करेंगे। अच्छा मतलब के यहाँ भूखा बंदा जिसने भूखे को खाना खिलाया
खुदा कयामत वाले दिन उसको भी, अब यहाँ भूखे से मुराद सिर्फ गरीब ही नहीं है, एक अमीर है ना, तो उसको भी कोई ऐसा मौका है कि अब उसके पास मतलब मुसाफिर हो जाता है, वो है अमीर लेकिन भूख उसको भी लगती है, अब उसके लिए क्या है? सरकार ने इरशाद फरमाया कोई बंदा नहीं। अच्छा फिर इरशाद फरमाया जिसने किसी जरूरतमंद नंगे को कपड़े, नंगे समझा दिए कि उसके पास कपड़ा कोई नहीं है, उसने जिंदगी में उसको कपड़े पहना दिए, कयामत वाले दिन रब्बुल आलमीन जल जलाल उसको भी अपने अर्श का साया नसीब करेगा। फिर वो बंदा रमजान मुबारक के महीने में जो किसी को रोजा खुलाता है, अल्लाह के महबूब नबी फरमाते हैं कयामत वाले दिन उस बंदे को भी अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। और वो यहाँ पहरेदार मुजाहिदीन जो जिहाद में लगे हैं, जो बॉर्डर पर उनके खड़ा है कि कोई बंदा इस तरफ आए नहीं, कोई दुश्मन, उस बॉर्डर के मुहाफिज का, उस चौकीदार को भी रोजे कयामत रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू अल्लाह के अर्श का साया नसीब करेगा। ये कुछ काम ऐसे हैं जो हमें करने का मौका मिलता है और कुछ ऐसे हैं जिनका हमें करने का मौका नहीं मिलता। हमें कोशिश करनी चाहिए जो मिल रहा है उस पर जरूर अमल करें ताकि कयामत वाले दिन वहां हर बंदे को नक्शी नक्शी आए, किसी सबको अपनी पड़ी है। इसलिए रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू की बारगाह में दुआ है खलाते आलम हमें अपने अर्श का उस वक्त साया नसीब करे जब कोई और साया नसीब होगा। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह।